मैं दिखता एक इंसान हूं पर हूं एक मशीन। जिस शख्स का ये डायलॉग है वो एक ऐसी मशीन है जो इंसान होते हुए भी बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश करवा देती है। पिछले 50 साल से यह मशीन फैंस को बेहतरीन मनोरंजन दे रही है, प्रोड्यूसर्स को अमीर और बहुत अमीर बना रही है। यह मशीन कभी बस कंडक्टर हुआ करती थी, लेकिन भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार में शुमार है। यह मशीन रजनीकांत है और फैंस उन्हें प्यार से थलाइवा भी कहते हैं। थलाइवा की आखिरी रिलीज फिल्म जेलर थी जो 2023 में आई। इस फिल्म ने 200 करोड़ रुपए के बजट में बॉक्स ऑफिस पर 650 करोड़ रुपए कमाए थे। रजनीकांत का जलवा कायम है, लेकिन आप जानते हैं उनकी फिल्मों के ब्लॉकबस्टर होने का एक सीक्रेट है और हमने उस सीक्रेट को क्रैक करने की कोशिश की है। आइए बताते हैं क्या है ये रजनीकांत के सीक्रेट जो उनकी हर फिल्म को बना देते हैं ब्लॉकबस्टर। रजनीकांत के सीक्रेट को क्रैक करने के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं। बात 2010 की है जब एंथेरम नाम से रजनीकांत की फिल्म आई, जिसमें ऐश्वर्या राय हीरोइन थी और डैनी डेंजोंग पर विलेन। यह फिल्म हिंदी से लेकर सभी भाषाओं में पसंद की गई। 150 करोड़ की फिल्म ने 320 करोड़ रुपए का कारोबार किया। बॉलीवुड और साउथ का कॉम्बिनेशन रंग लाया। फिल्म फायदे का सौदा साबित हुई। 2014 में लिंगा आई, जिसमें रजनीकांत के साथ बॉलीवुड से सोनाक्षी सिन्हा, तेलुगु इंडस्ट्री से अनुष्का शेट्टी और जगपति बाबू नजर आए। 100 करोड़ रुपए की इस फिल्म ने 120 करोड़ रुपए कमाए। इसके बाद 2016 में कबाली आई और इस बार बॉलीवुड से राधिका आप्टे उनके साथ थी। 100 करोड़ रुपए की इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। 2018 में काला आई, जिसमें बॉलीवुड के नाना पाटेकर और हुमा कुरैशी ने फिल्म में शिरकत की। 140 करोड़ रुपए की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ रुपए कमाए। इस साल 2.0 आई और इस बार रजनीकांत की टक्कर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार से थी। 400 करोड़ रुपए की फिल्म ने लगभग 600 करोड़ रुपए का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर किया। इस तरह रजनीकांत ने बॉलीवुड के साथ कई कॉम्बिनेशन बनाए और उनकी फिल्मों ने अच्छा कमाया। लेकिन 2019 में उन्हें वो फॉर्मूला मिल गया जो फिल्म की कमाई को डबल ट्रिपल करने में सक्षम था। यह फिल्म थी पेटा, जिसमें रजनीकांत के साथ साउथ से सुपरस्टार विजय सेतुपति, शशि कुमार, त्रिशा और बॉलीवुड से नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे। 160 करोड़ रुपए की इस फिल्म ने 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके बाद अन्नाते और दरबार आई, जिनमें क्रॉस इंडस्ट्री कास्टिंग देखने को मिली। लेकिन 2023 में आई जेलर ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। फिल्म में रजनीकांत के साथ बॉलीवुड से जैकी श्रॉफ और तमन्ना भाटिया थे, मलयालम से मोहनलाल और विनायकन, कन्नड़ से शिवराज कुमार और तेलुगु से सुनील जैसे सुपरस्टार दिखे। इन सभी के रोल और कैमियो हिट रहे। जेलर ने 200 करोड़ रुपए के बजट में 650 करोड़ रुपए कमाए और इसमें से 50 करोड़ रुपए केरल से आए थे। अब रजनीकांत और उनके निर्माता समझ गए थे कि दर्शकों को खींचना है तो सभी इंडस्ट्रीज का संगम करवा दो। अब इसी ट्रेंड की झलक उनकी फिल्म वेटियन में भी देखने को मिल रही है, जिसमें अमिताभ बच्चन बॉलीवुड से हैं, मलयालम सिनेमा से फहद फासिल और मंजू वॉरियर हैं और तेलुगु सिनेमा से राणा डग्गुबत्ती। फिल्म का बजट 160 करोड़ रुपए है और इसका एक्शन बहुत ही कमाल का है। वेटियन के बाद उनकी फिल्म आएगी कुली, जिसमें थलाइवा पूरे स्वैग में दिखेंगे। फिल्म में रजनीकांत के अलावा तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन, कन्नड़ स्टार उपेंद्र और मलयालम एक्टर सुबिन शहर की एंट्री हो चुकी है और आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नामों का ऐलान भी हो सकता है। इस तरह यह साफ हो जाता है कि रजनीकांत माहिर खिलाड़ी हैं, जो हर फिल्म को मल्टी इंडस्ट्री स्टार कास्ट के साथ ब्लॉकबस्टर में बदलने की कला में माहिर हो चुके हैं। उनके हर प्रोजेक्ट में बॉलीवुड, साउथ और अन्य रीजनल सुपरस्टार्स का संगम देखने को मिलता है, जो दर्शकों को थिएटर्स तक खींचने और बॉक्स ऑफिस और मेकर्स की झोली भरने का काम करता है। शुक्रिया दोस्तों।